हाय गुरु। उपस्थित सबको मेरा जय गुरु। परम दयाल कि जब सत्संग में लोग बैठते हैं, आते हैं, सुनते हैं, तो ये कोई अनुष्ठान के लिए अनुष्ठान नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हम जलसा कर रहे हैं, कुछ गाना सुन लेगा, ऐसी बात नहीं। यह प्रभु के जो सत्संग है, ये जीवन की बात है। प्रभु मने ही ठाकुर अनुकूल चंद्र, मतलब जीवन बात, लाइफिज्म। ठाकुर लाइफिज्म करते थे, जीवन कैसे अच्छा। उनका एक ही धर्म है, मानव जीवन कैसा अच्छा होगा, बेटर होगा, जो सब चाहते हैं। हर जीवन का चाहत एक ही है, पूरा दुनिया में चाहत वही है कि मेरा जीवन बेटर कैसा हो। तो जब व्यक्ति चाहते हैं मेरा जीवन कैसा बेटर हो, तो हर देश भी चाहते हो मेरा जीवन, हमारे देश का लोगों का जीवन कैसा और बेटर बेटर होगा। इसका मतलब सारे दुनिया में विषय वस्तु एक ही है, जीवन को बेटरमेंट करना। और चुप चुप में पुरुषोत्तम आते हैं यही करने के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ हाउ टू मेक लाइफ बेटर, बेटर एंड बेटर। तो परम दयाल राम बन के आए थे, पुरुषोत्तम चुप चुप में आए। अगर राम को हम एक पकड़ लेगा, मान लीजिए हम आर्गुमेंट में नहीं आ रहे, राम अगर एक नंबर है तो ठाकुर जी है अठवा, एट एट मानव रूपी ईश्वर ये धर्म में आ गए। और एट जो ईश्वर मानव रूप से आया, उन्होंने सिर्फ पेन में लिखा है, बाकी कोई पेन यूज नहीं था, उन्होंने ही पेन में लिखा जीवन का वाणी सत्यानुसार। रामकृष्ण भी नहीं लिखे, सत्वा नहीं लिखे। तो ये जो परम दयाल इस युग में आए हैं, क्या वही लेके चलो जीवन को अच्छा करने के लिए? क्या रामकृष्ण जो बोल के किया जीवन को बेटर करने के लिए, क्या वो लेके चलेगा तो होगा नहीं? क्या चैतन्य महाप्रभु जो बोल के किया वो लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम है, क्या होगा नहीं जीवन बेटर? ऐसा बहुत सारे बात आते रहेगा। तो ये जीवन को लेके क्या हम लोग खुद से जीवन का इक्वेशन बनाकर आगे नहीं जा सकते हैं? एवरी इंडिविजुअल, हम तो जीवन का बारे में जानते हैं। आज हम आम आदमी भी बहुत सारी चीज जानते हैं, पढ़े लिखे हो ना हो, क्या हम लोग जीवन बनाने का रूप तय नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हर जीवन का शुरुआत सबको मालूम है, बिगिनिंग 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 लाइफ बिगिंस विथ बर्थ, हर लाइफ। एंड एंड पॉइंट भी मालूम है, इट एंड्स विथ डेथ। तो बिगिनिंग पॉइंट मालूम है, एंड पॉइंट मालूम है, बस ये बीच का ट्रेसिंग नहीं कर सकते आप लोग। या बाइबल में, गीता में, हर जगह में निकाले तो जीवन का जो बिगिनिंग और एंड का बीच में जो घटना है, जो लाइफ का ट्रेस आप बनाएंगे, वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज एंड विजडम, मानव का बुद्धि से
उसको नहीं मालूम पड़ेगा। मानव का बुद्धि ज्ञान उसमें अगम्य है, अगम्य माने पहुंच ही नहीं सकता, कोई भी लाइफ का ट्रेसिंग हम लोग बोल नहीं सकते, हाउ लाइफ विल प्रोसीड। पूरा लाइफ छोड़िए, एक घंटे का बात भी नहीं बोल सकते, एक दिन का बोल नहीं सकते। मैं अभी सत्संग में आपको बात कर रहा हूँ, इसका एक घंटा बाद मेरे साथ कौन मिलेगा, कौन क्या करेगा, मैं क्या खाएगा, कुछ पता नहीं। तो पूरा जीवन कैसे, तो लाइफ का जो ट्रेसिंग होगा, अगर प्रेजेंट अभी अभी दुनिया में मान लीजिए 600-700-800 करोड़ लोग हैं, ह्यूमन ह्यूमन डिफरेंट एज का मान लीजिए, डिफरेंट एज का सारे वर्ल्ड में 600-700-800 करोड़ लोग हैं। एवरी लाइफ, हर लाइफ का बिगिनिंग एंड एंड, उसका बीच का ट्रेसिंग सबका डिफरेंट होगा, सेम नहीं होता है। कोई लाइफ 800 करोड़ लाइफ है, कोई लाइफ किसी का साथ कोइंसिडेंट नहीं होगा, सब अलग अलग। तो इसको समझना मुश्किल है। तो जब लाइफ ही जानता नहीं, उसका बेटरमेंट क्या करो। इसीलिए पुरुषोत्तम जब आते हैं, लाइफ का बेटरमेंट का वॉइस मीन्स बता के जाते हैं। उसको रिलीजियस बुक में लिखा है लॉ ऑफ लाइफ, चुप चुप में आते हैं और लॉ ऑफ लाइफ बता के जाते हैं। कैसा लॉ, वो लॉ ऑफ लाइफ जो दिया उसको लेके चलेंगे तो हम लाइफ को बेटर बना सकते। ठाकुर जी बहुत सिंपली बात को लिया, बहुत बात को कॉम्प्लिकेशन बनाया नहीं, घुमाया नहीं, ये युग में आए और लाइफ का बहुत सिंपल डिफिनेशन वेज मीन्स एकदम क्लियर करके दिया सबको। ऐसा नहीं कि मैं समझेगा नहीं, ठाकुर का जो लाइफ का मेकिंग ऑफ लाइफ का जो तरीका है, हम सब मैं बोलेगा मैं समझा ही नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी समझ सकता। पंडित ज्ञानी मूर्ख धनी गरीब सब लोग समझ सकते। ठाकुर इसको खुद बना के लिए, ऐसा नहीं ठाकुर कहीं से सोच के लिए, ठाकुर खुद बनाया। ही इज द मेकर एंड सस्टेनर ऑफ लाइफ, इसीलिए बोलता है परम दया ठाकुर नकुल चंद्र इज मेकर एंड सस्टेनर ऑफ दिस लाइफ स्ट्रीम। हर लाइफ स्ट्रीम का उन्होंने ही मेकर है, और वो कैसे सस्टेन करेगा कोई बता नहीं। ठाकुर बोलता है कोई बड़ी दया, अब कोई भी व्हाट्स एवर यू, कोई क्या करता है क्या करता है क्या नहीं करता, हमें वो सब जरूरत नहीं। ह्यूमन है ना, मनुष्य है ना, आ जाओ मेरे पास, फॉर्मूला बनाए, लाइफ मेकिंग फॉर्मूला, रकम ये लो, कोड वर्ड्स लो मेरे पास, इट इज अ कोड वर्ड। ये कोड वर्ड के बारे में हर जगह में लिखा है, बाइबल में भी है, वर्ड्स ऑफ गॉड कोड वर्ड। ठाकुर युग में कोड वर्ड दे दिए, उसको हम लोग मंत्र बोलते हैं, पूरा मंत्र जान लो और जो मैं बोलता हूं उसे करो, करते रहो, गो एंड डूइंग इट, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ मेकिंग योर लाइफ। तो लाखों लाखों लोग ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके देखा, वो ठाकुर गेव अस, इट इज अ फर्म, एकदम कंफर्म है। लाखों लाखों लोग का जीवन बेहतर बन चुका है, तो लाखों लोग का लोग जीवन बेहतर होगा फॉर्मूला से, मतलब प्रूव हो गया ह्यूमन बीइंग में एक फॉर्मूला काम करते हैं। जैसा आप सुनते हैं आज कोरोना का वैक्सीन निकलने का पहले ह्यूमन के ऊपर उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, विदाउट एप्लीकेशन वैक्सीन ग्रांटेड नहीं। ऐसा ही ठाकुर का फॉर्मूला भी लाखों लाखों ह्यूमन में अप्लाई हुआ, जो अप्लाई भाई लॉर्ड लोग को मालूम पड़ा ये ठाकुर का वैक्सीन फॉर मेकिंग लाइफ एकदम करेक्ट है। जय जन जय जन विष्णु, यही है
mechanism, mechanism of creating love to God, ईश्वर पे, आप गॉड पे तैयार होगा। आप कोई भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, बदमाश हो, शैतान हो, जो भी हो, ठाकुर की गारंटी है, तुम ये करो, धीरे धीरे तुम्हारा हार्ट में ट्रांसफॉर्म होगा। You will slowly, slowly transform your heart as a diviner. तुम डिवाइन बन जाओ, तुम डिवाइन धीरे धीरे होते जाओ। तुम्हारा प्रेम सॉफ्टवेयर में एक प्रेम तैयार हीलिंग फीलिंग आए अंदर आएगा जो पहले नहीं था। लोग बोलते हैं कुछ दिन बाद, पहले हम ऐसा नहीं था, अच्छा लगता था, चेंज हो गया माने उसके अंदर फीलिंग तैयार हो गया। तो ठाकुर इज दैट टेक्निशियन, ही गेव अस दैट टेक्निक। ये करते ही कोई भी हम, मैं हूं, मैं कोई भी हूं, मेरे अंदर असर से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लव टू गॉड आएगा, ईश्वर का प्रति प्रेम भावना आएगा। ये दो तीन पहले बात हो, सत्यनु संहिता ठाकुर सत्य में लिखा है, अनफीलिंग, अनफीलिंग माने या फीलिंग नहीं है, फीलिंग नहीं माने विलाउट के प्रति फीलिंग नहीं, मतलब लॉर्ड के प्रति, मेरे जो विलाउट लॉर्ड है उसके प्रति मेरा फीलिंग नहीं है, अनफीलिंग, अनफीलिंग एंड अनबेनिफिटिंग एक्टिविटीज, ना मेरा फीलिंग है मेरा प्रिय के प्रति, प्रिय माने मेरा ठाकुर जी के प्रति, ना मेरा फीलिंग है, ना उन्होंने जो मंगल बोल के सोच रहा है, उन्होंने जो मंगल भावना से कुछ सोचना है, ऐसा मेरे जीवन में उनका दिया हुआ ऐसा कर्म मेरा द्वारा नहीं होगा, ना मेरा फीलिंग है, ना उनका कोई मंगल कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये एक सिम्टम है कि मेरा प्रिय के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम एक्चुअली नहीं है। सत्यम समय लिखा हुआ प्रिय के प्रति भलोबासा, प्रिय प्रति भलोबासा वा मंगल भी, भलोबासा वा मंगल দুটো সাথে হিন্ট যুক্ত আছে, ভালোবাসা হিন মঙ্গল হিন, একসাথে লেখা আছে ঠাকুরের ভাষা, প্রিয়ের প্রতি ভালোবাসা বা মঙ্গল বিহীন কর্ম প্রেমের পরিচয় নয়। মানে আমি যে মানে যে ঠাকুরকে প্রেম করতে হুম এসব সিম্পটম নেই দে না। কোশ্চেন উইল কাম, আগর মেরা জীবন बेटरमेंट तब बनता है जब ठाकुर का पति मेरा उनका टेक्निक से मेरा प्रेम आ जाएगा, तो अनफीलिंग अब होगा नहीं। अनफीलिंग जो ठाकुर का एक बार नाम ले लिया, स्तुति करता है, थोड़ा नाम ध्यान करता है, उसका अनफीलिंग होगा नहीं, उसका गॉड फीलिंग आएगा 100%। वो टेक्निक है सर ठाकुर दिया, एक तो आप दूर हो गए चिंता से कि आपका ईश्वर का प्रति हीलिंग नहीं होगा, हो गई, रह गया आपका जीवन में, अब जाकर ठाकुर पकड़ लिया, मेरे जीवन मस्त बनना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस में भरा हुआ चाहिए, समझे नहीं चाहते, मैं भी चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं ना आपको, तो मेरे अंदर भी भाव है कि माई लाइफ शुड बी prosperous and full of happiness, chahta hu main to karne ke liye mangal yukt karma hona chahiye mera dwara, mera dwara mangal yukt karma prabhu ke liye hona chahiye, and prabhu ke mangal karma mujhe kya bataye, yahi to prashna hai। अरे प्रभु मेरा जो है उनका क्या चाहते हैं, वो हमको क्या पता,
हम मन से उनका क्या अच्छा लगेगा बोल के बना लेगा, वो तो नहीं चलेगा। मैं मेरा मोहल्ला में सोचा 100 दीक्षा कराऊंगा, ठाकुर खुश होगा, हमारा आचार्य खुश होगा, हमारे एक्टिंग प्रभु पूजनीय बाबा जी खुश हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। हम कर दिया, अब पूजनीय बाबा जी को ये काम जरूरी नहीं था, उनको जरूरत नहीं है, तब क्या हुआ, तो मेरे मन में भी हो जाएगा। तो उनका भावना अभी क्या कर्म होना चाहिए, तो मेरे पास पहुंचना चाहिए। हम तो आम आदमी है, आम भक्त है, क्या हमारा अच्छे से हमको फोन या मैसेज करके बता सकते हैं क्या? हमारे परिवार में हमारे लड़का क्या चाहते हैं, हमारे लड़की मेरे सर डॉक्टर एंड सन क्या चाहते हैं, मन में वो क्या बोलता है, मेरे बोलता नहीं तो परिवार में सर थोड़ी बोला जाता है, मेरा वाइफ मेरा पिताजी मेरा माँ क्या बोलेगा, बेटा तू मेरे को इलाके दे मेरे को अच्छा लगेगा, ऐसा बोलता है क्या? ये प्रेम का तो इस मामले नहीं होता, प्रेम है, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं, पिता है हम समझ जाते हैं, हमारा परिवार में जो प्रेम है उसे हम समझ जाते हैं, क्या करने से उसको अच्छा लगेगा, उसको तभी क्या करने से प्रभु को अच्छा लगेगा, देवघर में मुझे कैसे पता चलेगा? अब सोचिए बात को, फिर तो मेरे द्वारा उनका मंगल कर्म होगा ही नहीं, मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी भी आएगा नहीं, हैप्पीनेस भी आएगा नहीं ना, थोड़ा ईश्वरपति फीलिंग लेके जिंदगी बहा देगा, और ज्यादा उम्र में एक दिन बोलेगा सबको दुनिया को ठेला पीटेगा, सारा दुनिया को बोलते फिरेगा कि मैं 25 साल से ठाकुर का सत्संग करता था, सुविधि भेजता था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ खास प्रॉस्परस हैप्पीनेस आया नहीं, फिर तो ठाकुर का ये फॉर्मुलेशन झूठ साबित हो जाएगा, झूठ। ऐसा मेरे ऐसा ऐसा जीवन में बहुत जन ऐसा बोलेगा, हाँ भाई मैं भी 20 साल, कोई बोलेगा 35 साल, कोई बोलेगा मेरा 15 साल मैं जुटता था, मेरा जीवन में खास कुछ ऐसा हुआ नहीं, सब लोग ऐसा बोलेगा। फिर ठाकुर का आइडियोलॉजी विल बी इन क्वेश्चन, बात को ध्यान दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा आपका जीवन में क्या हुआ उसे दुनिया नहीं चलता है। तो दुनिया का लोग को ठाकुर पकड़ के प्रॉस्परस एंड हैप्पी फुल ऑफ हैप्पीनेस जीवन चाहिए, यहाँ ये पॉइंट है, दो जन का जीवन मौके कुछ फायदा नहीं होगा, 100 में 100 लोगों का जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना चाहिए, हैप्पीनेस आना चाहिए, तब ठाकुर का आइडियोलॉजी हम लोग ठीक ठीक क्लियर करेंगे, प्रोग आगे लेके जा सकते हैं। बात को ध्यान दीजिए, खाली सत्संग के गाना गाने से कुछ लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, और एकदम रूट पे लोगों को लेके जाना पड़ेगा, भाई देखो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हारे पास लव का फीलिंग है, यू हैव द फीलिंग ऑफ लव टू गॉड, क्योंकि तुम स्तुति करता है, ठाकुर क्रिएटेड विच इज स्टैंडिंग एट योर हार्ट एट योर ब्रेन सॉफ्टवेयर, बना दिया ठाकुर का आदमी आप बन चुके हैं, लेकिन आप खुद को रिकॉर्ड करते हैं, ज्यादातर आदमी रुकाते हैं, ब्लॉक करते हैं, सोचते हमें सब प्रॉब्लम में जाने का नहीं, बहुत थोड़ा हुआ कुछ कर दिया बस, दैट्स ऑल, ये भावना से लोग रोकथाम करता है, जीवन को बैक करता है, बैकपुल करता है, जबकि उसका जीवन ऑलरेडी फॉरवर्डेड बाय द इष्टमिति नामधेन जितना भी थोड़ा करते हो इफेक्टेड है वो फॉरवर्डेड है, लेकिन वो खुद बैकपुल करते हैं, तभी वो बोलेगा प्रभु देवघर में सोचेंगे मंगल कर्म, मेरे पास कैसा लैंड करेगा करेगा, ठाकुर सब आइडिया दे दिया, नाम ध्यान सुविधि करके तुम्हारे में फीलिंग आ चुका है,
अभी तुम खाली अपने को तैयार कर दो, तैयार थोड़ा अपने को पुश अप करो। हे दयाल बोलो ऐसा, हे दयाल आई एम द मशीन, आई एम द मशीन एंड यू आर द मशीनिस्ट, प्लीज प्लीज डू विद दिस मशीन समथिंग फॉर यू, आई कैन नॉट डू योर वर्क, प्लीज मेरा मशीन को यूज कर लीजिए, कुछ तो कर लीजिए। तो ही इज द मशीनिस्ट, मैं मशीन को टैन हो गया, टैन हो गया। स्तुति नाम टैन, सत्संग में बात सुन के गाना सुन के वो मशीन तैयार हो गया। लेकिन बाकी जो उच्छास उतरापन वो तो लाने पड़ेगा, इच्छा चाहिए। यू हैव यू यू मस्ट बी डिजायरस टू डू हिज वर्क। अब तब उनका कर्म वो वहां ओरली कुछ भी बोलेंगे, सब रिलीजियस ग्रुप में यही लिखा हुआ है, प्रभु जब कुछ भी बोलेंगे वो स्क्रिप्चर्स हो जाता है। स्क्रिप्चर्स 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 मतलब है पहाड़ में पत्थर में खुदाई करके जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स हो जाता है, उन्होंने कुछ भी बोला दैट विल बी स्क्रिप्चर्स, वो एटमॉस्फेयर में रहेगा इन वाइब्रेशन। बाइबल में लिखा है स्क्रिप्चर्स मस्ट बी फुलफिल्ड, स्क्रिप्चर्स मस्ट बी फुलफिल्ड, फुलफिल होगा ही, प्रभु खुद ही बोला, मैं बोल दिया ना स्क्रिप्चर्स फुलफिल होगा, तुम करो ना करो 200 साल 2000 साल बाद 5000 साल बाद वो फुलफिल होगा, होगा ही मत करो, वो 5000 साल बाद ही वो फुलफिल होगा, बट वो होगा। तो हमें ठाकुर बोलता है किसी ने मोन देखो, किसी ने मोन पूछा है मैं समसल में आया था आपको कैसा मालूम पड़ा, मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं। ठाकुर बोला डॉक्टर इसराज सितार देखे चो, इसराज सितार देखा है, बहुत तार रहते उसमें, एक को बजाएंगे ना सब बज उठता है। मतलब ठाकुर वाज टॉकिंग अबाउट रेजोनेंस, ठाकुर रेजोनेंस का बात, रेजोनेंस रेजोनेंस से सब कुछ होता है। ये सिंपल साइंस है, आप कभी जब आप भी देखा है ख्याल नहीं करते होगा, आप देखा है बड़े दीवार को तोड़ने आते कैसा लोग दीवार तोड़ने आते हैं, वो लेबरर आता है बड़ा हथौड़ा लेके आता है भारी हथौड़ा दीवार तोड़ने आता है, कैसा दीवार तोड़ता है, भारी मोटा दीवार कैसा तोड़ता है, उसको पता है प्रैक्टिकल थ्योरी मालूम नहीं, इसका पीछे रीजन कॉज उसको मालूम नहीं, बट वो प्रैक्टिकल जानता है, वो जानता है एक ही जगह मारने का, एक ही जगह में बार बार हिट करने का, वो भी ताल में, ताल में, ऐसा नहीं कि दो बार ठक ठक मार दिया तीसरे बार थोड़ा बाद में मारे, ऐसा नहीं, एक ताल में हिट करे कंटिन्यू, चार बार पांच बार छह बार सात बार अचानक पूरा दीवार क्रैक हो जाए, पूरा दीवार क्रैक हो जाए सडनली, क्रैक होगा तो फिर आस्ते आस्ते सब ईटा को गिरा देगा, फिर दीवार का और चक्कर में बहुत बार, इसका नाम रेजोनेंस, होता रेजोनेंस। तो ऐसा आप मैं ठाकुर का स्तुति नाम ध्यान प्रार्थना सत्संग में सुनने का कितना लोग क्या बोलता है, सुन के हम अपने को वो भाव में रख लेगा कि उनका जब कोई भाव से कोई कर्म आएगा तो वो मेरा अंदर लैंड करेगा, मैं रेजोनेट हो जाएगा उनका वाइब्रेशन से, उनका स्क्रिप्चर्स का वाइब्रेशन रहता है और मेरा अकुल अकुल भावना उचाल बदल हृदय उनका करने के लिए मैं तैयार हूं, ये सोचना नहीं कि काम क्या होगा पता नहीं, प्रभु
मुझे आपका कुछ तो काम करा लीजिए, इस भावना तो वो तब मेरा अंदर लैंड करेगा, अब मैं फिर मैं उनके काम में जुड़ जाऊंगा, तब मंगल कर्म मेरे से होगा और मेरा लाइफ प्रॉस्परस फुल ऑफ हैप्पीनेस होगा ही होगा, जॉय।